अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। नवी मुंबई के जेएनपीटी में पकड़ी गई 1,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स। अब तक 2 गिरफ्तार। आयुर्वेदिक औषधि के नाम पर अफगानिस्तान से तस्करी। नवी मुंबई के जेएनपीटी में प्रतिबंधित ड्रग्स की एक बड़ी खेप पकड़ी गई है। 191 किलो हेरोइन की यह खेप अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए समुद्र के रास्ते नवी मुंबई के नावा सेवा जेएनपीटी पोर्ट तक पहुंची थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस हेरोइन की कीमत 1,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और कस्टम विभाग ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर नशे की यह खेप जब्त की है। अब तक इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इससे जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम दिल्ली भी रवाना हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तस्करों ने ड्रग्स को प्लास्टिक के पाइप में छुपा कर रखा था। पाइप को इस तरह से पेंट किया गया था कि ये बांस के टुकड़े दिख रहे थे। सारे ड्रग्स कई कंटेनर में छिपा कर लाए गए थे। तस्करों ने इसे आयुर्वेदिक दवा बताया। फिलहाल इस मामले में ड्रग्स के इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले 2 कस्टम हाउस एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के एक फाइनेंसर को भी गिरफ्तार किया गया है। इसे मुंबई लाने की तैयारी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।